further moving on talking about the guidelines for therapy termination there are the cases when we met unhappy clients terminating therapy with an unhappy client clients may terminate the relationship when there are the certain issues like they are unhappy with the therapist services so it's not always the case where the therapist is unhappy with the client but there come certain cases in which we find that the client is not satisfied with the therapeutic services which are being provided by the therapist objects to therapist's philosophy. Now this is something very crucial to understand. Everyone has its own you know life philosophy and when it comes into therapy and we get to know ki discussion the therapist ki jo life ki philosophy hai. वो उसके थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन का एक पार्ट बन रही है और वो अपनी लाइफ की फ़िलासफी को इंडोर्स कर रहा है क्लाइंट्स की लाइफ के ऊपर वेयर एज द क्लाइंट इज़ नॉट सेटिस्फाइड एंड इज़ नॉट अलाइन विद दैट पर्टिकुलर फ़िलासफी तो वहाँ पर क्लैश डिवेलप हो जाएगा एंड क्लाइंट विल इवेंचुअली बिकम अनहैप्पी फॉर इंस्टेंस अगर क्लाइंट जो है वो एक बहुत ही कंजर्वेटिव और एक बहुत ही बैकग्राउंड फैमिली से बिलोंग करता है और ऐसी ही थाट्स वो रखता है और एक बहुत ही लिबरल और एक बहुत ही जो है वो फास्ट थिंकिंग का थेरेपिस्ट उसको अपनी लाइफ की फिलोसफी से एग्जांपल्स दे रहा है दैट इन सर्टेन सिचुएशंस वी माइट बी डूइंग दिस 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 बट वो बातें क्लाइंट को पसंद नहीं आ रही बिकॉज वो उनको मॉरली रिलीजियसली एथिकली और सोसाइटी के परस्पेक्टिव में राइटर्स नहीं समझता तो वहाँ पर लाइफ की फ़िलासफीज का क्लास जो है वो इमर्ज होगा और उस सिचुएशन के अंदर क्लाइंट थेरेपिस्ट की

वेदर द रिलेशनशिप कैन कंटिन्यू और नॉट ऐसी स्टेज भी आ सकती है कि ये बात क्लाइंट अपने मुंह से तो नहीं बता रहा बट वो ये फील कर रहा है तो एक अच्छे थेरेपिस्ट का काम है कि वो इस बात को असेस करे उसको डिस्कस करे उसको टेबल के ऊपर रखे उसके पॉइंट्स डिस्कस करे और फिर डिसाइड करे कि वेदर दे कैन गो टोगेदर और नॉट वेन देर आर द सीरियस डिसग्रीमेंट्स बिटवीन थेरेपिस्ट एंड द क्लाइंट्स द रिलेशनशिप यूजअली मस्ट एंड सो You can respectfully disagree that you just don't want to be in therapeutic relationship with a certain person. The following strategies may help in this case. Avoid defensiveness. to her therapeutic relationship ko sustain karna ya end Defensive hona to ek achche therapist ka kaam hi The client is a customer and the goal of the therapy is to help and support them, not to defend yourself, not to protect your ego. सो so, यहाँ पर ईगोइस्टिक होने का तो काम ही नहीं है कि मुझे रिजेक्शन मिल रही है या मुझे कोई uh, कह रहा है कि मैं आपके साथ आपकी फ़लासफ़ी से अग्री नहीं करता रादर उसको रिस्पेक्ट करना और डिफेंस हुए बगैर उसको टर्मिनेट करना इज़ द रटियस्ट थिंग लिसन टू द क्लाइंट्स फीडबैक सिंस इट मे हेल्प यू टू बी अ बेटर थेरेपिस्ट अगर हम किसी की ओपिनियन को सुनेंगे नहीं उसको इनकॉर्पोरेट करेंगे नहीं तो फ्यूचर में बेटर होने के चांसेस और मिनिमाइज हो जाएंगे एक्सप्लेन वाई थेरेपी मस्ट एंड विदाउट एक्जिशन और ब्लेम किसी भी एक्जिशन और ब्लेम के बग़ैर थेरेपी uh, होनी चाहिए और अगर उसके अंदर ये चीज़ें ऐड हो जाएं तो वो तो वही सिलसिला शुरू हो जाएगा जिसकी वजह से थेरेपी लेने के लिए एक क्लाइंट आपके पास आया था क्योंकि उसको लाइफ में बहुत सारी जगहों पर ब्लेम और एक्जिशन फेस करनी पड़ी थी जिनसे वो कोप नहीं कर पा रहा था अगर वही चीज़ थेरेपी में भी शुरू हो जाएगी तो फिर उस थेरेपी का ऑब्जेक्टिव ही खत्म हो जाएगा इफ द क्लाइंट एक्यूजिज़ यू ऑफ रॉन्ग डूइंग टेक केयरफुल नोट्स अबाउट द इंसीडेंट एंड कंसिडर टू रिकॉर्ड द टर्मिनेशन इन अ लेटर अगर क्लाइंट आपके मुंह पर बैठ के साफ बता रहा है कि आपने ये गलत किया ये गलत किया ये गलत किया जस्ट टेक इट ऑन अ वेरी सीरियस नोट उसके पॉइंट्स लिखें उसके नोट्स लिखें एक्सेप्ट करना चाहते हैं एक्सेप्ट करें अगर आप उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते Usko a termination letter issue that I am not a good fit for you. You can go and seek consultation from this very therapist. But the process should be very respectful. Addressing the termination of the treatment is an important phase of the therapeutic process. For termination to be handled properly, discussion between the therapist and the client should occur in advance and address in a thoughtful and a very sensitive manner. our process, both sensitively. बहुत ही प्रोटेक्टेड वे में बहुत ओपन एंड फेयर वे में डिस्कस होना चाहिए ताकि इस टर्मिनेशन के रिजल्ट में कोई और नई साइकोलॉजिकल डिस्टरबेंसेस ना इमर्ज हो सकें